आजकल साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और बिना आपकी जानकारी के आपके ही आधार कार्ड पर कई सारे सिम कार्ड इशू होते हैं और कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस फ्रॉड से बचने का एक आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के जरिए ही आप पता लगा सकते हैं कि आपके आधार से कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं, बल्कि आप उन इलीगल और अनवांटेड नंबर्स को ब्लॉक करवाने को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि ये पोर्टल अभी सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जारी किया गया है, दूसरे स्टेट्स में भी जल्द ये सुविधा शुरू की जाएगी। बता दें कि DOT ने टैफकॉप पोर्टल को अप्रैल में लॉन्च किया था। इस पोर्टल को लॉन्च करने का पर्पस सब्सक्राइबर्स को उनके नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जानकारी देना और अगर आपके नाम पर कोई गलत सिम इशू है तो ये पोर्टल आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लेने की परमिशन भी देता है। DOT की गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक आधार नंबर पर 9 सिम तक की कनेक्शन ले सकते हैं और इस लिमिट के बाद सभी नए कनेक्शन बल्क कनेक्शन के अंदर आते हैं, मतलब ये कमर्शियल पर्पस के लिए लिया गया सिम है और यही रीजन है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए आपको टैफकॉप पोर्टल पर जाना होगा। अब अपना कोई भी एक्टिवेट मोबाइल नंबर देकर OTP मंगवा सकते हैं। अब जो OTP आएगा उसे सबमिट करके वैलिडेट पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप अनसेंड नंबर को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।